सिंपल एंड टेस्टी खाने में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। इसके लिए मैंने एक बड़ी पत्ता गोभी ली है, एक बड़ी कटोरी मटर, एक टमाटर, 20-25 ग्राम अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च। अब मैं इन सभी चीज़ों को धो लूँगी और पत्ता गोभी, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च को काट लूँगी। सभी सब्जियों को मैंने काट लिया है। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डालूँगी। मैं एक कड़छी सरसों का तेल डालूंगी और इसे अच्छी तरह गरम करूंगी। मैं सभी सूखी सब्जियां सरसों के तेल में बनाती हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सब्जी किस तेल में बनाते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब मैं सबसे पहले आधा चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा अच्छी तरह तड़क चुका है। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च डालूंगी और इसे थोड़ी देर चलाऊंगी। अदरक भून चुकी है। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। और इसे नरम होने तक पकाऊंगी। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पत्ता गोभी और मटर डालूंगी। आप मसाले अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह हिलाऊंगी। मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। आंच को मैंने धीमा कर दिया है। तेज आंच पर सब्जी कढ़ाई से चिपक जाती है। सब्जी को पकते हुए 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। अभी इसे पकने में 2-3 मिनट और लगेंगे। आप सब्जी को बीच बीच में हिलाते रहिए, नहीं तो सब्जी बर्तन से चिपक जाती है। सब्जी पककर तैयार है। अब इसे हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।